हेलो दोस्तों, तो अगर आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डीपी लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में डीपी कैसे लगा सकते हैं। अभी यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मेरा ये एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट है और यहां पर अभी मैंने कोई भी डीपी नहीं लगा रखा है। तो डीपी लगाने के लिए क्या करना है, डीपी कैसे लगाना है, सेटिंग कहाँ पर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट प्रोफाइल का, ओके, आपके जस्ट डीपी के नीचे यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, ओके, एक है प्रोफाइल का और एक है अवतार का। तो यहाँ पर डीपी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट पिक्चर और अवतार, ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा न्यू प्रोफाइल पिक्चर और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक। आप चाहें तो डायरेक्टली अपने फेसबुक के डीपी को यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर कोई नया डीपी अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग न्यू प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा फोटो आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग वो फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं कोई एक फोटो ले लेता हूँ। तो सपोज मैंने ये फोटो ले लिया है, अब इसको मुझे डीपी लगाना है। तो अब आप इसको जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे जूम कर लेता हूँ, ऐसे बस आपको हाथ से थोड़ा जूम कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक एरो का आइकन दिख रहा होगा तो यहाँ एरो आइकन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग एरो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे आपको इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, डीपी लगाने से पहले आप यहाँ पर अपने डीपी में इफेक्ट भी डाल सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फिल्टर हैं, आप जो चाहें वो फिल्टर चूज कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कर लिया और यहाँ पर ये कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है एडिट का, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग मैन्युअली जो इफेक्ट चाहें वो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडजस्टमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस में ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पर दोबारा से इस एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग एरो वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपका डीपी सक्सेसफुली लग जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रोफाइल पर डीपी कुछ इस तरीके से लग गया है। बस यही इतना काम था। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।